अल्लाह के बाद सचिन थे जिन्होंने मेरा नाम बनाया, मुझे स्टार बनाया और मुझे पहचान दिलाई। ऐसा खुद पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर, जो पूरे वर्ल्ड के सबसे फास्टर गेंदबाज थे, उन्होंने ये बात कहा। और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे स्टार बनाने वाले मेरे अल्लाह के बाद सचिन तेंदुलकर ही हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी हर रोचक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व बेहतरीन गेंदबाज शोएब अख्तर अपने विवादित बयानों के मामले में बहुत मशहूर हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में बड़े बड़े बेहतरीन बल्लेबाजों को अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी से परेशान भी किया है। अब वह एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और कई मैचों में कमेंटर भी बने दिखाई देते हैं। हाल ही में शोएब अख्तर ने 23 साल बाद सचिन तेंदुलकर से जुड़ी एक किस्से के बारे में बताया। शोएब अख्तर ने यह बताया कि अल्लाह के बाद सचिन ही वह इंसान है जिन्होंने मुझे स्टार बनाया और पूरे क्रिकेट जगत में पहचान दिलाई। शोएब अख्तर ने 1999 से जुड़ी एक टेस्ट मैच की बात को याद करते हुए कहा कि मैंने शकलेन मुश्ताक से पूछा कि क्रिकेट का भगवान कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया सचिन तेंदुलकर। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं सचिन तेंदुलकर को आउट कर दूंगा तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि मैंने पिछले दो मैचों में उन्हें आउट किया है, जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई थी इस मैच में कौन आउट करेगा। शोएब अख्तर ने टेस्ट मैच को याद करते हुए कहा कि जब सचिन तेंदुलकर मैदान पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे थे, तब वसीम अकरम ने मुझे गेंद को स्विंग करने की सलाह दी। उन्होंने मुझसे कहा कि गेंद बीच पर पड़ने के बाद सीधे विकेट पर ही खत्म होनी चाहिए, जिसके बाद मैं उन्हें आउट करने को लेकर काफी चिंतित था। लेकिन जब मैंने दौड़ना शुरू किया, जिसके बाद मेरा पूरा ध्यान सचिन तेंदुलकर पर ही था, क्योंकि मैं उनको आउट करके खुद को साबित करना चाहता था। शोएब अख्तर ने कहा कि जिस समय सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला घुमाया था, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह आउट होने वाले हैं। उनके बैकलिफ्ट बहुत अच्छी थी और मुझे पता था कि गेंद स्विंग हो रही है। मैं इस बात से थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले से ये प्लान भी किया था। स्टार गेंदबाज शोएब अख्तर ने आगे कहा कि जब मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया तो पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया था, जैसे लगे कि पूरे स्टेडियम को सांप सूंघ गया हो। वहां पर सिर्फ मेरी ही आवाज आ रही थी। सचिन के आउट होने के बाद उन्हें मैंने यह बात बताई कि मुझे स्टार बनाने वाला अल्लाह के बाद सिर्फ आप हो। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो शोएब अख्तर ने जवाब दिया कि अगर मैंने आपको आउट नहीं किया होता तो मेरा नाम नहीं बनता। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर बोले, ऐसा नहीं है, तुम इसे डिजर्व करते हो और मेरा वादा है कि तुम इस देश के सबसे सफल गेंदबाज बन के निकलोगे। और उनकी कही बात अल्लाह ने सुन ली और मुझे अच्छा खासा नाम मिल गया। इस किस्से के बाद शोएब अख्तर ने एक किस्सा और सुनाया। उन्होंने कहा कि जब इंडिया टीम पाकिस्तान आई थी, उस समय मैं बहुत खुश था और सब खिलाड़ियों को अपने घर ले गया। अपने घर ले जाने के बाद मैंने सबको बिरयानी भी खिलाई, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर मेरे रूम में थे। मैं मस्ती करते करते उनको उठा के बेड पे पटक दिया। जब मैंने उनको पटका तो मुझे डर लग गया, अगर उनको कुछ हो गया तो भारत वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है। तो उसके बाद मैंने सचिन से उनका हाल पूछा, तो उन्होंने कहा आई एम वेरी फाइन। तब मेरी सांस में सांस आई। और उन्होंने ये भी कहा कि सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी एक ही समय पैदा होता है और दुनिया में एक ही सचिन तेंदुलकर थे, हैं और रहेंगे, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने मुझे कई चीज ऐसी बताई जिससे मेरे प्रदर्शन में सुधार आया। मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक कहानी? वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर रोचक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे।
जय श्री श्याम।